रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। अच्छा चीज़ है। तो ये चिकन। हेलो सो वेलकम टू इजी ट्रिप एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज भी सही मेरा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में लास्ट वर्किंग डे है। पूरा दिन का जो भी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी 7:45 बज रहा है, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होकर आया और अभी आपके लिए कुछ कंटेंट मैं बहुत दिनों से बना रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब मस्त कंटेंट होने वाला है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये है, ये बहुत सारे कुछ चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और पैकिंग का भी काम कर लिया। कल मेरे को निकलना है, आज कहीं पर स्टे कर लूँगा शायद से। चलो फ्रेश व्रेश होके उसके बाद निकलते हैं, उसके बाद आपसे शेयर करते फिर से। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने चले आए हैं, 9:10 बज रहा है ऐसा कुछ। ये देखो मानव है, अगर कोई धर्मनगर से हो तो बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मानव से आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसका ब्रांच है राजबाड़ी ब्रांच त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, वहाँ पर चले जाना, उसको बोल देना कि भैया मेरे को हेल्प चाहिए, कर देगा ना हेल्प। हाँ कर देगा। ये खाना भी स्टार्ट कर दिया, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट। तो हम तो यहाँ से कर लेंगे 2 अंडा ऑमलेट ले लेंगे, 2 अंडे का और रोटी, 1 रोटी बस। उसके बाद नीरज भैया आएंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको फिर से वो वाला रोड। आ गए नीरज भैया, बस चलता हूँ। चलिए भैया आइए। चलो आ गया लास्ट दिन। पहले तो मैं चेक करता हूँ मेल आया कि नहीं। सेकंड चलो चेक कर तो अभी मेल अपना आया कि नहीं, क्योंकि अभी तक मेल नहीं आएगा तो हमको रिलीज नहीं मिलेगा और भैया लोग जाने नहीं देंगे हमें। नहीं आया कुछ भी। चलो बैठते हैं, लास्ट दिन है, लॉगिन कर लिया, थोड़ा सा काम कर लेंगे। अभी के अभी देखो बाकी को तो इग्नोर कर लेना। तो ये आया ना रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर कुछ मेल है जो मैं देखूंगा और इसमें क्या है फाइन, हाँ जो भी है मैं पढ़ के उसके बाद अगर दिखा सकता हो तो दिखाऊंगा, नहीं तो ऑब्वियसली नहीं। चलो निकाल लिया इसकी प्रिंट भी, अभी देखते हो बाकी जो प्रोसीजर है वो आपको समझाऊंगा, मेरे को खुद समझना है पहले। साथ में है नीरज भैया जो SBI CBO में जा रहे हैं कुछ दिन बाद। मैं अभी और अभी पैसा डिडक्ट हो रहा है, कितना नहीं दिखाना आपको, बिकॉज दिस इज एन इंटरनल पॉलिसी ऑफ द प्रोग्रामिंग बैंक। तो अभी 5 के ऊपर बज रहा है। तो कभी कभार ना ऐसे जैसे कि हम लोग लेट काम करते हैं तो कभी कभार ऐसे निकल जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा घूम घूम के आते हैं, फ्रेश फ्रेश होके आते हैं, क्योंकि जो प्रेशर के बाद प्रेशर अगर होता है तो वही शांति के लिए। शांति जी बीच में अकेली हैं, आप जाइए ना सर। बस अभी निकलेंगे यहाँ से, फिर से ब्रांच पे जाना है, वहाँ पर फेयरवेल पार्टी देना है मेरे को आज, रिलीजिंग है अपना। नॉर्मली कभी कभार ऐसे निकल जाता हूँ, बहुत शांति लगता है ऐसे। शांति क्या चमचे यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा ग्रीनरी है, मस्त लगता है। जो पीछे वाला रोड है मतलब जहाँ से हम आए हैं वहाँ से दामचेरा कंचनपुर वो वाला रोड होता है, किसी को अगर शहर का केओस होता है उससे थोड़ा सा शांति चाहिए ना। यहाँ पर आके 2-3 दिन के लिए रहो मस्त, बस बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, मेंटल पीस यहाँ से मिलेगा आपको। तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपसे। तो अभी चलेगा फेयरवेल का प्रक्रिया, जो अपने इधर पे श्याम सुंदर दा है, यहाँ पर अपना मैम है, यहाँ पर अपने ब्रांच मैनेजर सर करुण को चकमा सर, शपुन दा अपने पानी शगर का हीरो बोलते हैं लोग, नीरज भैया क्या ही बताए, मेट लाइफ दा प्रशांत दा, दो बार प्रशांत दा का वीडियो खींचा। ठीक है, ये पहली बार अपलोड करूँगा नहीं। दिन जो आप लोग देखे होंगे वो बच्चों का सामान लेते हुए वो ही थे प्रशांत दा, यहाँ पर फेयरवेल में खुद का व्लॉग खुद करते हुए। तो अभी एक्चुअली ऑफिस से आ चुका हूँ,
फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ, मानव अभी फ्रेश होएगा, उसके बाद मैं आज जाऊँगा धर्मनगर पे, आपको कुछ फूड टूर देना है, ठीक। अगर कुछ छूटा आप मेरे को प्लीज कमेंट में बताइए, नहीं कौन सा आप मैंने मिस किया है, ताकि नेक्स्ट बार मैं जरूर से उसको ट्राई करूँ, ट्राई करूंगा जितने भी अभी तक पता चला सब कुछ आपको दिखाने का, सबका बताने का कहाँ पर क्या मिलता है। थोड़ा सा टायर्ड भी लग रहा है, लेकिन फूड टूर के बहाने डिनर भी अपना करके आ जाऊँगा, बाद में बात करते हैं। अभी हम पहले तो आए हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, दीघी के पार है, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट रोड है, रोड का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, गजब बेइज्जती है। पहले जो खाएंगे वो है पीठा खाएंगे, तो वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे अपना, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या खाएंगे। एक्स्ट्रा ज़्यादा चीनी चढ़ा बना है और नारियल दे चढ़ा, तो उसमें थोड़ा सा नारियल यहाँ पर है वो डाल के दे देंगे और उसके बाद स्टीम करके देते हैं। तो खा भी लिया भाई, रुक जाना भाई थोड़ा सा, तो एक ही खाएंगे आज, क्योंकि आज बहुत सारा खाना खाने वाले हैं। ये देखो इसमें स्टीम हो रहा है, अच्छा चीज़ है, टेस्ट भी आता है बहुत ज़्यादा, सिंपल सा चीज़ है, मस्त वाला चीज़ है। अब दूसरा जगह जाएंगे, ट्राई नहीं किए हो ज़रूर से ट्राई करना पड़ता है, बाकी और कहीं अगर पीछा मिलता है प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दियो मेरे को। चलो नेक्स्ट, अभी ट्रेंस पे आए थे, क्या हुआ था उस दिन, मैं और भैया आए थे, तो मैं शहमदा प्रशंतता आए थे, उसमें क्या हुआ था, मैंने अपने एयरफोन गुम कर दिया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, तो चिंग रूम में मैं छोड़ के आ गया था, आज दो दिन बाद आया लेने के लिए, मिल गया मानव का कहने से, और एक शॉपिंग कर लिया मैंने फिर से, अपना खाने का कार्यक्रम चालू रखते हैं। चौप खाने, चौप तो खाने, हाँ ये देखो शिव का मूर्ति है, जो स्टेचू है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और धर्मनगर पे यही है सबसे ज़्यादा, हार्ट ऑफ धर्मनगर बोल सकते हो ना ये वाला जगह को, सामने और एक स्टेचू भी है अच्छा, अटल जी का जो स्टेचू है। अभी जाएंगे चौप खाने, मस्त चौप है, यहाँ पर भी एक अच्छा चाय मिलता है, वो चाय पियेंगे, एक यहाँ पर बहुत फेमस करके है टी बार, तो सोचा था वहाँ पर पहले जाएंगे, वहाँ पर चौप खाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना बारिश के बूंदे गिर रही है, इसीलिए ये जगह जो है, ये अटल जी का स्टेचू है बिल्कुल सामने है, कई बार खा चुका हूँ, और ये भी मानव ने मेरे को बोला था। हाँ चलो अच्छा ठीक है, मैं समझा नहीं पाया था, तो ये सुनो, परसों मैं और शहमदा और प्रशंतता आए थे, ठीक है, ट्रेंड जो है वहाँ पर चेंजिंग रूम पे गया था, तो मैं अपना जो नेक बैंड है ईयरफोन या फिर नेक बैंड जो भी बोला, तो वो वहाँ पर छोड़ के आ गया था, तो आज फिर से गया, संभाल के रखे थे, आधार कार्ड का जेरोक्स मांगा बस, बाकी हो गया, और साथ में एक और टी शर्ट खरीद लिया। वेदर भी बहुत मस्त चल रहा है यहाँ पर, खाना तो बनता है। ओए मानव और प्लान बता, कहाँ कहाँ जाना है? मम्मीज पे जाना है, वहाँ पर बोल रहे थे कि दो बहुत अच्छा चीज़ है, वो क्या बोलते हैं, फ्राइड मोमो, हाँ, और दूसरा वाला है चिकन कोशा, वो तो मैंने खाया चिकन कोशा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन माई लाइफ, अगर तला पहाड़ का मतलब कहीं पर भी मैंने, वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए, वो भी खाएंगे आपको दिखाएंगे। और अभी बारिश आने वाला है, तो जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, बूंदी भी पड़ रही है, गिर रही है, ये देखो एग्जाम, एक तो दिखाओ और उसमें गरम शॉपिंग भी देखो, बहुत अच्छा है, मस्त है धर्मनगर का शॉप में से, मस्त है, दुकान दिखा, दुकान दिखा दे, वो अटल जी का स्टेचू है उसमें। तो अभी तो मम्मीज पे आए थे, जैसे कि यहाँ पर बहुत पॉपुलर एक रेस्टोरेंट है, एक चिकन कोशा ले लिया जो हम पैकिंग करवाने के लिए बोले, और एक ये रहा फ्राइड मोमोस, बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर, मैं मेयो डाल के दिया और दो चटनी डाल के दे दिया, अभी टेस्ट करेंगे बताएंगे कैसा है, वेट फॉर द रिव्यू। चलिए शुरू कीजिए, सहा नहीं जाता देखता हूँ इसको, हाँ गर्म तो है, चटनी में डुबाया, अच्छा लगा, अंदर का स्टफिंग दिखा है, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से ट्राई किया, और एक खा लेता हूँ यार, मैं चार खाऊंगा ठीक है, तो छः खाई होगा, 90 था इसका प्राइस, सुनो ब्रेक करके दिखा दो ठीक है आपको, कोई ना कोई मसाला पता नहीं क्या अमेजिंग लग रहा है। ये रहा मम्मीज, ठीक है, तो चिकन कोशा ले लिया जो कि पैकेट में है, 180 था इसका, फूल ले लिया एक, अभी इसका रिव्यू देना बाकी है, और दिक्कत ये है अभी बारिश पड़ रहा है, नहीं तो और भी कहीं जाता,
सो बाहर तो बारिश गिर रही है, लेकिन माना बोल रहा है कि क्या ही याद रखेगा, लास्ट डे है तेरा, चल ले खा लेते हैं। ये है नमिता स्वीट्स और इसका लोकेशन क्या है? ऑफिस टेलर सर, आपको ऑफिस टेलर इसका लोकेशन बोलते हैं। तो फिर तो हमने बोला ये देखो बहुत गाढ़ा होता है, इसका जो खीर होता है बहुत गाढ़ा होता है, ये बहुत अच्छा है, देखो 20 रुपये का आता है, मस्त है सही। और मेरे को वैसे भी मिठाई ज़्यादा पसंद है, इसका भी इसके लिए वही है, दूध क्या ही दूध अच्छा होता है, उठ नहीं रहा। आ गया बेस्ट थिंग यू कैन हैव दिस मिठाई का दुकान, बाकी रूम पे जाएंगे होपफुली बारिश नहीं आएगा। तो अभी बैठ गए हम डिनर पे, पहले तो अरे राइस और दाल में और कुछ मत दे। मानव भाई अपना सब कुछ बनाया है ये छोड़ के, ये मम्मीज वाला है जो मैंने पहले लाया थी हम दोनों ने, इसको क्या आप बोलते हैं बताइए, कोई क्या मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल फिश तो बोलते हैं। स्मॉल फिश क्या होता है भाई? कोई तो नाम होगा ना, जैसे कि फिश होता है ना, फिश का नाम होना चाहिए। स्मॉल फिश करी बोलते हैं हिंदी में, छोटा मछली। ये इसने बनाया है, उसके बाद सब्जी वगैरह है कुछ, दाल, और ये अभी चिकन निकालूंगा। ये देखो ये फूल है, ठीक है, इसका क्वांटिटी देख सकते हो, ऑयली है लेकिन इसका जो टेस्ट आता है भाई, हमने पहले भी खाया हुआ है, आज फिर से खाएंगे, 8 या 10 पीस ऐसा कुछ होता है, 180 रुपये में। तो ये चिकन नेक्स्ट लेवल बहुत बढ़िया बनाता है। उसके बाद टेस्ट रिव्यू, एक चुटकी सिंदूर, नेक्स्ट लेवल अच्छा भी हुआ है, बस ऑयली ज़्यादा है लेकिन वही है, टेस्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। चलो मैं हम डिनर के बाद आपसे बात करते हैं। तो अभी डिनर विनर भी ख़त्म है, बस अभी सो पड़ेंगे, लास्ट डे है, कल 12 बजे 12:45 को शायद से अपना ट्रेन है, निकलेंगे धर्मनगर से, पता नहीं कभी फिर से पोस्टिंग होगा कि नहीं, लेकिन वो है थोड़ा सा ख़राब लगता है अभी, कि एक बार बॉन्डिंग बन जाए ना ब्रांच मेट से या फिर जो भी दोस्त लोग हैं, बॉन्डिंग अगर बन जाए उसके बाद छोड़ना वो है थोड़ा सा ख़राब लगता ही है, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ, वो जो भी है आशा करते हो अच्छा ही होगा, नए जर्नी का छोड़ा जो भी होगा, आपसे फिर से दिखाएंगे वो भी जो भी होगा इन द फ्यूचर। तो अभी के लिए बस चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।